हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन रिवाइविंग ब्यूटी। गाइस, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि मैम, जो पिगमेंटेशन रिमूवल वाली क्रीम्स होती हैं, इनमें सेम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सेम परसेंटेज में होते हैं, तो फिर एक क्रीम दूसरे से कैसे डिफ़र करती है? क्या इनमें डिफरेंस होता है? और हम अलग अलग क्रीम क्यों यूज़ करें? एक ही क्रीम क्यों ना यूज़ कर सकते हैं? पर कोई क्रीम ज़्यादा इफेक्टिव होती है, कोई कम इफेक्टिव होती है, या आप ये कहते हैं कि मैम ये वाली सस्ती है तो इसे यूज़ कर लें, या ये यूज़ कर लें क्योंकि इंग्रेडिएंट्स तो सेम है। तो गाइस, ये क्वेश्चन मेरे पास आया था और मैं चाह भी रही थी इसके ऊपर आपके साथ एक वीडियो शेयर करना। उस टाइम मैंने इन शॉर्ट एक कमेंट में ये इसका आंसर दे दिया था, पर आज मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताने वाली हूँ कि हर क्रीम में क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से वो वर्क करती है, और कौन ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, कौन आपके लिए सेफ रहती है, कौन सी क्रीम बेसिकली। तो गाइस, ये पूरी जो वीडियो होने वाली है इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर होने वाली है। अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस, थोड़ा केयरफुली वॉच करिएगा ताकि आपके सारे सवालों के आंसर आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ओके गाइस, तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, ताकि मेरी आने वाली ऐसी और भी यूज़फुल वीडियो अब तक पहुँचती रहे। सो गाइस, चलिए जान लेते हैं क्या ये कनेक्शन है इन सारी क्रीम्स के बीच में, और क्या डिफरेंस क्रिएट करता है, इनको कैसे एक दूसरे से अलग करता है। सो गाइस, आइए चलिए जान लेते हैं। सो नाउ गाइस, चलिए जान लेते हैं इन सारी क्रीम्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इंग्रेडिएंट सेम होते हैं पर क्रीम्स में डिफरेंस क्या होता है, किस वजह से ये क्रीम्स एक दूसरे से डिफर होती हैं। गाइस, एक एग्जांपल मैं आपको देने वाली हूँ आज, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में देने वाली हूँ ताकि सबको ईजिली समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस क्या होता है इन सारे क्रीम्स के बीच में। आपने देखा होगा गाइस, हर क्रीम के ऊपर सेम परसेंटेज में सेम ही केमिकल यूज़ करा हुआ मिलता है, लेकिन कोई क्रीम ज़्यादा महंगी होती है, कोई क्रीम कम महंगी होती है, कोई आपको लोकल मार्केट में ईजिली मिल जाती है, और कोई कोई क्रीम आपको सिर्फ रजिस्टर मेडिकल स्टोर से प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही मिलती है। इसकी क्या वजह है गाइस, मैं आपको बताती हूँ। एक सबसे पहली गाइस ये वजह है, मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल लेती हूँ गाइस। यहाँ पे आप अपने घर में सॉल्ट वगैरह यूज़ करते ही होंगे, क्योंकि सॉल्ट मैं यहाँ पर इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि गाइस ये सारे केमिकल भी एक सॉल्ट होते हैं, ठीक है गाइस, तो इनको एक रेशो में ही यूज़ किया जाता है। सपोज़ अगर आप मार्केट से सॉल्ट लेने जाते हैं तो आपको वो एक ही सॉल्ट, यानी सॉल्ट को सॉल्ट ही बोलेंगे हम, वो आपको कम प्राइस पे मिल जाएगा और आपको हाई प्राइस पे मिल जाएगा। यानी अगर आप लोकल सॉल्ट लेंगे तो आपको 10 रुपये की 1 kg भी मिल जाता है, और अगर आप किसी अच्छी कंपनी का लेंगे तो आपको 20 से 25 रुपये पर kg भी मिलता है। अब डिफरेंस क्या होता है सॉल्ट में, ये तो जो घर में सारा खाना बनाने वाली हैं या बनाते हैं सब्जी नहीं बनाते हैं आजकल, तो आपको पता होगा जो कि लो क्वालिटी का सॉल्ट होता है वो खारा ज़्यादा होता है, लेकिन जो फाइन क्वालिटी का सॉल्ट होता है उसमें खारापन एक बैलेंस फॉर्म में होता है, वो खाने को ज़्यादा खारा नहीं बनाता, आप उसको एक लेवल में ही डालते हैं, लेकिन ज़्यादा खारा नहीं होता है खाना, खाने में स्वाद परफेक्ट रहता है, उसका जो कलर होता है खाने का वो परफेक्ट रहता है, कलर चेंज नहीं होता है। लेकिन जो एक लो क्वालिटी का सॉल्ट होता है उसे आप डालेंगे, खाने का कलर चेंज हो जाता है, उसका जो स्वाद होता है वो हल्का ज़्यादा खारा हो जाता है, तो हमें एक बहुत ही सोच समझ के यूज़ करना पड़ता है। तो इसी तरह से ये जो सॉल्ट होते हैं ये मार्केट में आपको ओपनली भी मिल जाते हैं, जैसे मोमिटाजोन फ्यूरेट, ये मार्केट में आपको उस पे जाके देखेंगे ईबे वगैरह पे, इस तरह की जो वेबसाइट है उन पे आपको इजीली मिल जाता है, वहाँ पर आपको ये बहुत सस्ता भी मिल जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी में लेने जाएंगे तो बहुत थोड़ा महंगा भी मिलता है। तो यही इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है, यानी एक जो फाइन क्वालिटी का सॉल्ट होता है, ये जो मोमिटाजोन फ्यूरेट है या हाइड्रोक्विनोन टेरिटिनोन है, ये जब बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी में होते हैं, बैलेंस फॉर्म में होते हैं, सही रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ में, सही बैलेंस में, सही कॉम्बिनेशन में एक क्रीम में फॉर्म किए जाते हैं, तो ये थोड़े महंगे भी मिलते हैं और ये हमारी स्किन को नुकसान भी नहीं पहुँचाते। लेकिन जब आप एक रॉ फॉर्म यूज़ करते हैं इन सॉल्ट की और ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं, आपको सिर्फ परसेंटेज पता है और आपने परसेंटेज में उनको यूज़ करा हुआ है क्रीम के अंदर, तो ये हमें डेंजरस ज़्यादा देते हैं, मतलब हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस रहते हैं, साइड इफेक्ट ज़्यादा देते हैं, स्किन को एकदम से ख़राब कर देते हैं। बहुत सारे लोग मेरे साथ ऐसे भी मैंने देखे हैं जो मेरे पास आए हैं कि मैम हमने तो सिर्फ पहले दिन ही लगाई और हमारी स्किन पर एकदम से साइड इफेक्ट्स हो गए, स्किन रेड हो गई, स्किन पर बहुत ज़्यादा मतलब साइड इफेक्ट्स नज़र आने लगे, रेडनेस आ गई, स्वेलिंग होने लगी, इचिंग होने लगी। तो गाइस, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, इसी वजह से होती हैं कि इन क्रीम के अंदर आपको बहुत ही रॉ फॉर्म का
ये सॉल्ट यूज़ करके आपको ये क्रीम में प्रोड्यूस कर देते हैं, वही क्रीम आप लगा लेते हैं। लेकिन जो एक अच्छी कंपनी होती है, जो एक बैलेंस फॉर्म में, एक अच्छी लिमिटेड क्वांटिटी में, एक सही बैलेंस में इसको यूज़ करती है, क्रीम को बना के आपको देती है, तो ये क्रीम हम जब हम अपने चेहरे पर लगाते हैं तो हमारे चेहरे पर इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते हैं, चेहरे के लिए सेफ़ रहती है और हमारी स्किन पर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी क्योर हो जाती हैं। ओके गाइस, मैंने क्रीम आपके साथ में शेयर की थी एलेसोन एसटी की, ठीक है, और मैंने एक मेलास की भी शेयर की थी, तो मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उस समय दी थी। लेकिन गाइस मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैम हमारी तरफ तो 20 रुपये की मिल रही है, आपने तो 100 रुपये की ली है। गाइस इसका रीज़न मैं बताऊँ क्या होता है, कि आपकी तरफ जो 100 रुपये की जो मैंने ली है, 100 रुपये की, वो मैंने ली एक रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर से, जो जिसने मुझे एक ऑथेंटिक मतलब मेडिसिन दी, जिससे मेरे चेहरे पे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए, वो एक बैलेंस फॉर्म में थी। लेकिन जो आपने 20-25-30 रुपये की ली ना गाइस, वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना आपके आसपास में बना हुआ हो सकता है, तो वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट था, रॉ फॉर्म में यूज़ किया हुआ था, सही बैलेंस में यूज़ नहीं किया हुआ था, उसको रिफाइंड नहीं किया गया था, उसको जस्ट ऐसे इंग्रेडिएंट्स परसेंटेज में यूज़ करके वो क्रीम बना के आपके सामने भेज दी गई थी, इसीलिए वो आपको इतनी ज़्यादा सस्ती भी मिली और उसने आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा लगाते ही साइड इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर दिए। ठीक है, तो ये सारे जो एक मैंने आपको बताया ना, ये इसी वजह से होता है, किसी को क्रीम सूट करती है, किसी को नहीं करती है, किसी को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, किसी का चेहरा ख़राब हो जाता है, तो ये इसी वजह से होता है कि सॉल्ट तो सही ही होता है, पर सॉल्ट किस तरह से यूज़ करा गया, किस फॉर्म में यूज़ करा गया है, क्या उसको रिफाइन किया गया है या नहीं किया गया है, क्या उसके लिए प्रॉपर बैलेंस फॉर्म में अदर केमिकल का भी यूज़ किया गया ये नहीं किया गया, तो ये सारी बातें इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं गाइस कि आपके स्किन के लिए वो क्रीम परफेक्ट है ये नहीं है। तो सबसे पहले तो आप किसी मेडिकल जो सुपरविजन होता है उसके अंदर ये क्रीम को यूज़ करें, दूसरा रजिस्टर मेडिकल जो स्टोर्स होते हैं उनसे ही जाके ये क्रीम्स परचेज करें, ताकि आपको एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिले, ना कि डुप्लीकेट। ठीक है गाइस, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो क्रीम्स थोड़ी अच्छी प्राइस पे मिलती है ना आपको, या अच्छी कंपनी होती है, उनका बैकग्राउंड भी देखिए, कहाँ की कंपनी है, किस तरह का उसका बैकग्राउंड है, इन चीज़ों को भी आपको देखना चाहिए, ताकि आपको एक अच्छा प्रोडक्ट्स मिल सके गाइस। ओके, तो इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली ध्यान देना चाहिए गाइस, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को अपनी स्किन के लिए यूज़ करने जा रहे हो। नए प्रोडक्ट को एकदम से सडन अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहिए, पहले उसके रिजल्ट को देख लेना चाहिए, कोई पैच टेस्ट करके देख लेना चाहिए कि ये क्रीम हमारी स्किन के लिए सुटेबल है या नहीं है गाइस। ओके, तो इन सारी छोटी-छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको ये साइड इफेक्ट्स फेस नहीं करने पड़ेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी क्योर हो जाएगी और आपका चेहरा वो भी सेफ रहेगा। ओके गाइस, तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन थी, अगर आपके लिए यूज़फुल रही है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, ताकि मेरी आने वाली ऐसी और भी यूज़फुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सो गाइस मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक यू गाइस वेरी मच फॉर वॉचिंग।